पूनम चौहान रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल पूनम चौहान रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एग मेयोनी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल मार्केट जैसी मेयोनी। और आप इस मेयोनी को किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं या मोमोज के साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, एग मेयोनीज बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए मैंने यहाँ रख लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या सामान लिया है, तो मैं यहाँ बताती हूँ। यहाँ मैंने पीली सरसों लिया है, करीब आधा चम्मच मैंने पीली सरसों लिया है। एक अंडा लिया है और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे नींबू का रस लिया है। आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/3 कप मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। यहाँ मैंने आइसिंग शुगर लिया है, पीसी हुई चीनी, आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 टीस्पून मैंने आइसिंग शुगर लिया है। और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ नमक लिया है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग मेयोनी बनाना। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है मिक्सी का। ये छोटा जार लिया है मैंने चटनी वाला, जिसमें 2 ब्लेड्स होती हैं। तो हम इस जार में सबसे पहले एग को डालेंगे। देखिए, हमने यहाँ एग डाल दिया है मिक्सी के जार में। और अब हम साथ ही इसमें हम डालेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो पीली सरसों ली थी उनको हल्का दरदरा मैंने कूट लिया है, तो वो हम डाल देंगे। साथ ही हम जो हमने आइसिंग शुगर लिया था वो भी हम डाल देंगे। और जो हमने नमक लिया था 1/2 चम्मच वो भी हम डाल देंगे। और जो हमने ऑयल लिया था 1/3 कप वो भी हम डाल देंगे। सभी ऑयल को हम डाल देंगे। और अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और मिक्सी को 20 सेकंड के लिए चलाएंगे और बंद करेंगे। इस तरीके से हम 2 बार करेंगे और हमारी मेयोनी तैयार हो जाएगी बनकर। 20 सेकंड तक हमने 2 बार मिक्सी चलाई थी, तो चलिए देख लेते हैं हमारा मेयोनी। वाओ, देखिए बिल्कुल तैयार है बन करके एग मेयोनी। मैं आपको यहाँ स्पून से उठा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलती है एग मेयोनी, जो कि हम मोमोज के साथ या फिर हम सैंडविच में लगा के हम खाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं इसमें नींबू का रस जो हमने लिया था वो डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें बाद में डाला है। आप जब मिक्सी चला रहे हो उसी समय डाल दीजिएगा। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एग मेयोनी को बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं, मोमोज के साथ खा सकते हैं, सैंडविचेस के साथ खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली रेसिपी की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ।